आप क्या हो अपने पड़ोस में रहने वाले लड़का से, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले लड़काओं को देखते हो, यार शरीर बहुत तगड़ा है यार भाई, बहुत तगड़ी छाती है, अच्छे डोले सोले है। अरे भाई उसके अंदर ताकत नहीं है, पूर्ण रूप से नपुंसक है। और जो इंसान पोडर डिब्बा खाते हैं ना, कई बार बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर कह चुके हैं कि वो पूर्ण रूप से नपुंसक हो चुके हैं, उनकी औरतें उनको छोड़कर भाग गई, क्या करे। भाई जिनके अंदर ब्रह्मचर्य चरित्र की बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं, और वो तुम्हें शिलाजीत खाने की सलाह देते हैं। रुको जरा, कपिवा हिमालयन शिलाजीत, मैंने अपने जिम ट्रेनर्स और कोऑर्डिनेटर्स को। भाई जिनके अंदर ब्रह्मचर्य चरित्र की बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं, और वो तुम्हें शिलाजीत खाने की सलाह देते। शिलाजीत कौन खाता है? गौ माता की कसम खाता है शिलाजीत, वो इंसान खाता है जो पूर्ण रूप से नपुंसक हो चुका है। शिलाजीत कौन खाता है? गौ माता की कसम खाता है शिलाजीत, वो इंसान खाता है जो पूर्ण रूप से नपुंसक हो चुका है। स्वर्ण भस्म का, शिलाजीत का और पोडर डिब्बा का वो इंसान आज नेट पर, सोशल मीडिया पर लोगों को, माता बहनों को और नौजवान बच्चों को, नौजवान युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, जो स्वयं पूर्ण रूप से चरित्रहीन और नपुंसक बन चुके हैं। बिल्कुल।